आज हमने लूप को हमने करना है और फॉर लूप हमने देखते हैं कि हम इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में। लेट्स सपोज अगर हमने काउंटिंग लिखनी हो 1 to 100 तक, तो हमारे पास जो तरीका हमने पहले देखा हमारे पास क्या होगा कि हमने जो भी चीज़ होगा 1 हमने उसको इन्वर्टेड कोमा में कर देना है, एंड लाइन कर देनी है। तो इसी तरह हमने 2 अप टू सो ऑन मीन्स के 3, 4, 5, 6 up to 100 हो गया। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्विकर वे है फॉर लूप। फॉर लूप के जरिए हम बहुत इजीली जल्दी से तरीके से हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। इसका हमने जो सिंटैक्स करना है, सिंटैक्स हमारे पास क्या है फॉर लूप का, फॉर लूप हमारे पास कहाँ से स्टार्ट, हमने पहले ब्रैकेट डालनी है, स्मॉल ब्रैकेट होगी, और उसके बाद हमने इनिशियल करना है पॉइंट को, हमने कहाँ से इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मीन्स कि हम 0 भी ले सकते हैं, 1 वो आपकी मर्जी, आपने कहाँ से लेना है। उसके बाद हमने सेमी कॉलम डालना है, उसके बाद हमने कंडीशन रखनी है, उसके बाद फिर सेमी कॉलम, फिर अपडेट, और फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अपडेट का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आपको क्या रिक्वायरमेंट है मीन्स प्रोग्राम में। अगर आपको इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट करते हैं, अगर आपको डिक्रीमेंट की है रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके अंदर हमने बॉडी जो पे जिस पे हमने लूप चलानी है हमने वहाँ पर वो लिखना है, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आगे हम फ्लो चार्ट करेंगे फॉर लूप का कि वो कैसे चलेगी। फ्लो चार्ट क्या है, हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट होगा, उसके बाद हमने इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट 0, 1, 2 जो भी होगा वो कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो कोड जो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ कोड लिखा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन अपडेट मीन्स के करेगा उसको मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर वो अगेन कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो फिर कोड मीन्स के चलता रहेगा। तब तक ये चलता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। जैसे हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप हमारे पास खत्म हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मीन्स के प्रोग्राम हमारे पास एंड हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, एक हमने प्रोग्राम है यहाँ पे, इसको हमने लिखना है एच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच इंटीजर मेन कर्ली ब्रैकेट इंटीजर आई फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0। हमने 0 हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। आगे हमने सेमी कॉलन डाला हुआ है, उसके बाद हमने कंडीशन लिखी हुई आई लेस देन 100 है, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने बॉडी लिखी है, हमने सी आउट करना है, लेस देन का साइन है, आई लेस देन का साइन, एंड लाइन, सेमी कॉलम, और हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब है पहले हमारे पास क्या होगा, इनिशियल करना है, इनिशियल हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। अगेन इसके बाद जाएगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मीन है एक इंक्रीमेंट कर देना, 0 + 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 1 क्या है, हमारे पास ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, 1 क्या है, लेस देन 100 है, तो हमारे पास 1 भी प्रिंट आउट हो जाएगा। 1 के अंदर फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 1 + 1, तो हमारे पास 2, 2 और अगेन कंडीशन चेक करेगा, लेस देन 2 है, सॉरी 100 जो है, 2 जो है लेस देन 100 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 फिर होगा एग्जीक्यूट कर जाए, लूप चलेगी, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99 तक ये चलेगा। जैसे हम यहाँ पे 99 आके यहाँ पे हम रन करेंगे 100, तो 100 के 100 लेस देन 100 तो नहीं है ना, अगर यहाँ पे हम इक्वल का साइन डाल देते तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, वो 100 भी आ जाता, लेकिन हमने जस्ट लेस देन का साइन डाला तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो लूप चलेगी वो 0 से लेके 99 तक चलेगी। अब आई प्लस प्लस जो है ये हमारे पास शॉर्टर वे है, इसको मतलब हम सेम ऐसे कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये जो आई होगा ये ओल्ड होगा, उसमें हमने क्या करना है, एक चीज ऐड कर देनी है, इंक्रीमेंट कर देनी है, और यहाँ पे आई क्या है, ये आई हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। हम देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल है, इफ आई वॉज 10 देन दिस स्टेटमेंट बाई सेइंग दैट 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इक्वल टू 11। बट ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये फिजिकली मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग ये हमारे पास ठीक है, हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाएगी। अब ये देखिए जैसे ये न्यू आई की वैल्यू है और ये हमने ओल्ड है, यहाँ पे हम 10 लिखे 10 प्लस 1, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। और एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमने वर्ल्ड को प्रिंट आउट करना है, मीन्स कि हमने ये हेलो वर्ल्ड है इसको हमने प्रिंट करना है,
include io downstream dot h इंडिशन मेन curly brackets start इंडिशन i सेमीकॉलन। फॉर लूप हमने यूज करनी है, फॉर लूप हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, i इज इक्वल टू जीरो सेमी कॉलम, आई लेस देन इक्वल टू हंड्रेड। आप देखें लेस देन इक्वल टू हंड्रेड इट्स मीन्स हंड्रेड टाइम तक अब ये चलेगा, और सेमी कॉलम i प्लस प्लस। सी आउट में अब हमने वर्ड लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने इन्वर्टेड कोमा में कर दिया। आगे हमने लेस देन का साइन एंड लाइन, और हमने सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे ये सेमी कॉलन भी आएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया और फिर हमने इसको चलाया। अब ये जो हेलो वर्ड होगा ये 101 दफ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 101 टाइम ऑन द स्क्रीन हमारे पास शो हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आई हमारे पास स्टार्ट किया जाए जीरो से एंड कंटिन्यू अनटिल इट इज़ लेस देन आर इक्वल टू द 100, ठीक हो गया। अब हम देख सकें ये हमने जब सारे प्रोग्राम हमने इंक्रीमेंट किया, अगर हमने डिक्रीमेंट का साइन होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा, फॉर लूप कैसे चलेगी, फॉर लूप चलेगी आई इज इक्वल टू 100। अब हमने इनिशियल कहाँ से करते, मैंने आपको कहा था ना इनिशियल आप कहीं से भी करो, 1 2 3 आपकी मर्जी, आपको रिक्वायरमेंट क्या है प्रोग्राम की। अब इन्होंने कहा है कि हमने डिक्रीमेंट करना है, तो हमने क्या आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 100 से, फिर सेमी कॉलन आई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस का मतलब है आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। अब देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे 100 है, 100 माइनस वन 99 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 99 प्रिंट, फिर 98 93 बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाएगी 100 से लेके जीरो तक चले जाएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो हमने अगले जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, आई इसमें हमने इंक्रीमेंट करना है दो का, पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे थे एक एक का ना, अब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट दो का कर लिया। इंक्रीमेंट का मीन्स क्या, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई प्लस इज इक्वल टू टू, हम ये भी लिखेंगे तो भी हमारा गलत नहीं हो जाएगा, ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो सी आउट में हमारे पास लेस देन का आई इज इक्वल सॉरी आई लेस लेस लेन एंड लाइन, और हमें सेमी कॉलन, अब आई की वैल्यू क्या है जीरो, कंडीशन टू हो जाएगा, इंक्रीमेंट देगा जीरो प्लस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टू आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो टू आ जाएगा, फिर टू प्लस टू फोर मीन्स के यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे जीरो से लेके 98 तक। यही है आज का हमारे पास लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग को उसमें ब्लॉक कोड ब्लॉक में हम लोग करेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे हम ब्लॉक लिखेंगे और उसका हमारे पास आउटपुट भी आ जाएगा।